प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। मुरीद हुई और उसके बाद मुझसे सैलानी बरेली के हफीज़ खान ने निकाह किया और निकाह के बाद से ही मुझे प्रताड़ित करते रहे और मुझे तलाक दे दी बिना वजह के, और 14 साल बाद तक मुझे एक दिलासा देते रहे कि हाँ मैं तुमसे फिर से निकाह कर लूँगा, फिर से निकाह कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। और जब मैं उनसे बात करने के लिए उनके घर पे पहुँची तो मुझ पे उन्होंने जानलेवा हमला किया और मेरे घर उन्होंने फ़ोन करवाया, धमकी दिलवाई। जब मैंने उनसे पहले कहा था कि तुमने मुझसे 14 साल पहले भी मेरे साथ गलत किया और आज भी गलत कर रहे हो, तो पीएम मोदी जी की सरकार है और तुम्हें योगी जी के पास जाऊंगी और वहां से अपना केस रीओपन कराऊंगी। क्या हलाला भी करवाया था? हाँ, मुझसे हलाला भी करवाया। हलाला के बाद भी मुझे यही दिलासा देते रहे कि हाँ हम निकाह कर लेंगे। और जब मैंने योगी जी के पास जाने की बात कही तो इन्होंने मेरे घर फ़ोन करवाया और फ़ोन करवा के मुझे धमकी दिलवाई कि अगर तुम योगी जी के पास गई तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान से मरवा देंगे। तो आपके बाद भी निकाह नहीं किया? नहीं किया। करवाया है उसने क्या आपको तलाक दे दी? हाँ, उसने तलाक दे दी। हाँ, तो तलाक दे दिया था उसने। तो सर, जब मैंने ऐसी झूठी कह दिया था कि हाँ मैं योगी जी के पास इस तारीख को जाऊँगी, तो ठीक उसी तारीख में फिर मेरे पास फ़ोन आता है कि तुम कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं अपने घर पर हूँ। तो बोलते हैं कि तुम योगी जी के पास गई हो? मैंने कहा ऐसा ही समझ लो। तो बोले कि तुम योगी जी के पास गई हो, राजनीति करोगी? मैंने कहा कुछ भी समझ लो। तो मुझे लगा कि ये वाकई मेरे साथ कुछ करवाना चाहते हैं, तो मुझे कुछ खतरा महसूस हुआ। और मैं इनके घर जब सैलानी बात करने के लिए पहुंची तो इन्होंने 9 लोगों ने, हफीज़ खान ने, उसकी बेटी ने और एक नत्थू नाम का लड़का है जो उसकी बेटी के उससे नाजायज़ ताल्लुकात हैं और वो हर वक्त घर ही में रहता है और उसकी बेटी के और भी कई सारे लड़कों से ताल्लुकात हैं, तो इसलिए उस लड़के ने मुझे धमकी दी। और जब मैं वहाँ बात करने गई तो उसकी बेटी ने अपने ननियालियों को बुला के और मुझ पर कम से कम 9-10 लोगों ने जानलेवा हमला किया। और जब मैं पुलिस मैं 100 नंबर पर फ़ोन करने जा रही थी तो उन्हीं की भांजी के एक शौहर हैं, यानी कि भांजी दामाद हफीज़ खां के, उन्होंने मेरे हाथ से पर्स छीन लिया, मुझे 100 नंबर पे फ़ोन नहीं करने दिया। अगर मैं उसी वक्त 100 नंबर पे फ़ोन कर देती तो शायद आज मुजरिम सब हवालात में होते। जी हाँ, मेरे पहले 2 बेटे हैं शादी से जो आज मेरे साथ हैं। हाँ, मेरे साथ मेरा बेटा एक सऊदी में है और मेरा छोटा बेटा एल्युमिनियम डोर का काम करता है। जी हाँ, मैं समाज सेवा करती थी, तो समाज सेवा में मैं महिला सभा की अध्यक्ष थी, तो मेरे पास भी मैं समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखती थी और नगर पालिका से मैं चेयरमैन भी थी, तो नगर पालिका से। तो इसको छोड़ दीजिए थोड़ा सा। मैं चेयरमैन थी पूरनपुर से। जी हाँ, डूडा से चेयरमैन थी मैं, तो उसमें काफ़ी सारी औरतें मेरे साथ लगी रहती थी, तो उनको देखते देखते मुझे अच्छा लगने लगा। और मैं उनके काम जो करवाती थी उस वक्त तो ज़्यादातर यही होता था कि विधवा पेंशन है या ये वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है या कोई घरेलू हिंसा है, तो उस वक्त इतनी सुविधाएँ नहीं हुआ करती थी और हम उन लोग को अपने ऑफिस में बुलाते थे, बिठा के उनकी सुलह करा दिया करते थे। पुलिस को जब आपने कंप्लेंट की तो आपको इंसाफ मिला? नहीं मिला। पुलिस वाले और मेरा मजाक बना रहे थे और आपस में ही बातें कर रहे थे कि इनका तो मतलब ये है कि भाई या तो निकाह करो नहीं तो मैं मुकदमा करूँगी। मैंने कहा सर आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं है। इन्होंने मुझे एक बार धोखा दिया, दूसरी बार ये मुझे धोखा दे रहे हैं। भाई मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इनसे मुझे जान का खतरा है, मैं इनके घर पे गई, उन्होंने खुलेआम मेरे पे हमला किया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ कि इनको सज़ा मिलना चाहिए। अरे मैंने इन लोगों